नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कुवैत से रिलेटेड। जी हाँ, कुवैत के तीन चार अपडेट हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। फेसबुक पेज वाले भाई पेज को फॉलो कर सकते हैं ताकि रोज कुवैत से रिलेटेड, गल्फ से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो साथियों शुरुआत कर लेते हैं, तीन चार पॉइंट हैं, मैं तुरंत आपको बता दूंगा मात्र दो मिनट के अंदर। ये जो अपडेट है 24 अगस्त का है। जी हाँ, इसमें साफ साफ बताया गया भाई सरकार ने अभी तक जो 32 कंट्रीज में एक कंट्री शायद और ऐड कर दी, 31 थी पहले, अभी अफगानिस्तान को शायद ऐड और कर दिया है उन्होंने। तो उन्होंने बोला है कि भाई हमें अभी तक हम फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि जो फ्लाइटें बैन है लगभग 32 कंट्रीज में अभी तक बैन, आपको पता है सबसे ज़्यादा इन्हीं का लोगों का आवागमन है कुवैत में, तो एक तरह से बैन करके रखा है। तो उनका जो उड़ान मंत्रालय, उन्होंने बोला कि भाई जो फ्लाइटें स्टार्ट करने का काम है ये हमारा नहीं है, वो कुवैत स्वास्थ्य विभाग है, वो देखेगा, उसके आधार पर पता लगेगा। क्योंकि कुवैत ने बोला कि हर हम 7 दिन से 10 दिन से एक समीक्षा करेंगे कि कौन सी कंट्री में कोरोना डाउन होता जा रहा है, उसी कंट्री के लिए हम फ्लाइट स्टार्ट कर देंगे। तो अभी देखते हैं, नेक्स्ट वीक शायद एक नेक्स्ट महीने मंथ से नए महीने से कुछ लग रहा है कि फ्लाइटें कुवैत स्टार्ट कर सकता है जिस कंट्री में कोरोना डाउन होगा। और भाई स्टिक अगर हो जाए तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन फ्लाइट की अभी तक यही अपडेट है, कोई ज़्यादा खास अपडेट नहीं है। एक अपडेट निकल के आ रहा है साथियों, 3 महीने के लिए वीज़ा नवीनीकरण बढ़ाया जाएगा। जी हाँ, वीज़ा का विस्तार किया जाएगा 1 सितंबर के आने वाले 3 महीने तक। इसका रीज़न ये दिया गया है भाई भीड़ ज़्यादा होगी, इसको कंट्रोल करने के लिए हम 3 महीने का टाइम दे देंगे ताकि उसमें भीड़ नहीं हो, आराम से सब लोग अपना वीज़ा नवीनीकरण करवा सकेंगे जो लोग वहाँ पे हैं। बाकी ज़्यादा इसमें खुल के बताया नहीं गया है कि भाई जो विदेश में बैठे हैं उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया, उनका क्या होगा। ये है कि 1 सितंबर से 3 महीने तक के बीच में कभी भी आप वीज़ा रिन्यू करवा सकते हैं ताकि भीड़ थोड़ा कम रहे। आगे बता दूँ, 60 साल से ऊपर वालों के लगभग आंकड़े निकल गए हैं 1 लाख के करीब आप मान सकते हैं, उनको 2021 जनवरी से वीज़ा रिन्यू नहीं होगा, उनको देश छोड़ना पड़ेगा। जी हाँ, ये अपडेट मैंने पहले भी बताई थी, अभी फिर बार बार आ रही है, इसलिए बताना जरूरी है। बता दूं, डिप्लोमा सर्टिफिकेट रखने वालों की संख्या लगभग 1 लाख है। जी हाँ, 1 लाख के लोगों के पास डिप्लोमा है, वो रहेंगे 60 साल के ऊपर वाले। धार्मिक प्रमाण पत्र रखने वाले, जी हाँ साथी, उनकी जनसंख्या बता दूं 2,80,000 के करीब है। जो भी रहेंगे उनको कुछ नहीं दिक्कत आएगी। लगभग ये हैं जो 97,98,000 1 लाख के करीब हैं, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है उनको कुवैत छोड़ना होगा। आगे कुवैत सरकार ने घोषणा कर दी है कि पहले क्या होता था, जो लोग वहाँ पे पढ़ रहे थे बच्चे वगैरह, वो 21 साल तक वहाँ पे रह सकते थे कुवैत में। जी हाँ, स्टूडेंट पढ़ने वाले जो एजुकेशन पूरी हो गई फिर भी वो कुवैत में रह सकते थे, लेकिन अभी सरकार ने साफ बोला है एज है जो 21 साल से घटा के 18 साल कर दिया, 18 साल के बाद आप कुवैत में नहीं रह सकते अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे वहाँ पे गए हुए हो। दूसरा, उसमें नियम चेंज करके सख्त कर दिया कि आप अपने रेजिडेंशियल वीज़ा पे अपने फैमिली को वहाँ पे नहीं बुला सकते। स्टूडेंट अगर आप हो तो आप अपने माता पिता, मदर फादर वाइफ, इनको पहले लोग बुलाते थे ना कि भाई हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आके रह ले वो, लेकिन अभी वो सिस्टम बंद कर दिया गया है। जी हाँ, अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो 18 साल के बाद में तो आपको कुवैत छोड़ना पड़ेगा। हाँ, अगर आप पढ़ रहे हो तो आप कुवैत में रह सकते हो, अगर आप सोच रहे हो कि पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा पे बैठे हैं तो नहीं रह सकते, कुवैत आपको निकालेगा। जी हाँ, 2-3-4 अपडेट थी मैंने शेयर कर दी। नेक्स्ट वीडियो जैसे अपडेट आती है आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे।